मैया, ये तो मेरा ब्याह करने के पहले सोचना था ना। कुसुम, अरे ये पानी का ड्रम यहाँ किसने रखा है? बहू, कौन लाया इसे यहाँ? मम्मी जी, ड्रम इसे कोई लाया नहीं, ये तो खुद आया है अंदर। सुनो, इधर आ बेटा। बेटा, तभी तो अपने दिमाग के तवे पर अकलमंदी की रोटियां सेक लिया करो। कौन सी? ए, कुछ भी बोलती है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो अब तुम ये कहोगी कि इसके पैर भी हैं और तुमने इसे खुद ब खुद चलते हुए आते देखा है? आपको कैसे पता मम्मी जी, मैंने तो इस पैर वाले ड्रम के साथ सेल्फी भी ली है। या, ड्रम के साथ सेल्फी? हाँ, मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए मम्मी जी, सॉरी, ये तो मम्मी जी जब सोते हुए कराटे ले रही थी ना, तब ली थी, लेकिन ड्रम वाली सेल्फी मैं अभी दिखाती हूँ। ये रही, देखिए मम्मी जी, मैं ना कहती थी कि इस ड्रम के पैर भी है, ये खुद में खुद चल के आया है यहाँ। कहाँ मैया, तू भी कुछ भी मान लेती है, ड्रम के पैर थोड़ी होते हैं। चलो जाओ, सब अपने कमरे में जाओ। कहा जीजे? सासू माँ, बचा लो, हम उपलवारी के गुलाम नहीं बनना चाहते। गुलामी के नाम पे पता क्या कराता है, चालू गाड़ी को धक्का दिलवाता, अपने सास की जुआ निकलवाता। सासू माँ, मना किया था ना कि मत खेलना जुआ, अब क्या करे, खेल लिया ना, अब तो माफ कर दो। तुम खुद किसी करने जाओगे ना तो साथ में ले लेना, मरने से नहीं डरते हम, लेकिन बनवारी के बच्चे का कच्चा बनियान धोके नहीं मर सकते। सासू माँ, सासू माँ, तुमको तुम्हारे होने वाले मोतिया बिन ऑपरेशन की कसम। बंद करो अपनी नौटंकी, हर साल जुए में हारते हो, हर दिवाली हमारा ही दिवाला निकालते हो। इस बार एक रुपया नहीं दूंगी, तभी आएगी तुम्हारी अकल ठिकाने। चले जाओ। अरे हमें तो अंदर आने दो यार। कहीं से भी घुसने नहीं चाहिए बनवारी। अरे यार, अपने घर के जाले साफ करवा करवा के हमारी जिंदगी के उजाले खराब कर दिए उसने। दो घंटे में कितना काम करवा लिया उस बनवारी ने तुमसे? क्या बताएं साले साहब, अपने चार बच्चों को हमारे कंधे पे बिठा दिया, बोलता है स्कूल छोड़ो, हम तो किस तरीके से भाग के निकले वहां से। कहां देख रहे हो, रेवड़ी बट रहा है, अब खिड़की दरवाजे बंद करो, उछला उल्टा किसी के छत से भी लटक के देख सकता हमको। ये देखो क्या किया, देखो। अरे तेरी, तुम्हारी भाग्य रेखा तो बिल्कुल साफ हो गई चीजें, दिख रहा है कि अगले जन्म में भिखारी ही बनोगे। अरे यार, आधा भाग्य रेखा तो तुम्हारी बहन का पांव दबा दबा के खत्म हो गया था, जो बचा वो बनवारी ने अपने बीवी के पेटीकोट धुलवा के खत्म कर दिया, देखो साफ हो गया। अरे तो फिर किसने कहा था दूत कीड़े में खुद को दांव पे लगाने को? कीड़ा? अबे जुए में खुद को दांव पे लगाने को। साले साहब माफ कर दो, 65,000 रुपए का मदद कर दो, कसम से बता रहा सासू माँ की कसम, 2070 तक जल्दी वापस कर देंगे। आगे बनवारी, काम हो गया? हाँ। क्या हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अम्मी जी, पंजीरी उसने कहा सिलबट्टे को मिक्सी में पीस दो। लेकिन मैंने तो मिर्ची को सिलबट्टे पे पीसने को कहा था और टमाटर को मिक्सी में, इसने मिर्ची और टमाटर दोनों निकाल दिए। ए, सिलबट्टा तो नहीं मिक्सी में पीस दिया? ए, रुक रुक जरा। भैया भैया भैया, ये सब छोड़, पहले अपना पैर कलसी में से निकाल। अरे भैया निकल जाएगा, उसको थोड़ा पैर टेढ़ा करके निकाल। हाँ, थोड़ा सा टेढ़ा कर ले, निकल जाएगा। हाँ, कर थोड़ा कर। नल्ला, नहीं निकल रहा है। मैया, घुमा तो सही उसको, निकलेगा। नहीं निकल रहा है नल्ला। अच्छा अच्छा अच्छा, मैया रुक 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 रुक, चल निकाल भैया, निकाल भैया। हाँ, जोर लगा के। नहीं निकल रहा है नल्ला।
अच्छा बस चलो भाई, चलो जोर लगाओ, जाओ जोर लगाओ, खींचो नहीं निकल रहा है लल्ला। निकल मत कर भैया, निकल जाएगा। एक बार करनी है, एक बार चाचू माँ जुराब है जो आराम से खोल के फेंक देंगे, कल सी है भाई, दम तो लगाना पड़ेगा, बता कीजिए। दम लगा के सेल्फी लेके नहीं निकल रही है लल्ला। सासू माँ ये आपकी पुश्तैनी कल सी है, कहीं आपकी सासू माँ भूत बन के टांग में तो न लटक गई है? साले साहब एक ही तरीका, काटनी पड़ेगी। हाँ जी, कलसी काटनी पड़ेगी। अरे कलसी नहीं, हम टांग की बात कर रहे हैं भाई। अरे मेरी टांग है, कोई पतंग है जो काटनी पड़ेगी? हद कर दियो सासू माँ, भगवान ने दो दो सब कुछ दिया, दो आंख दिया, दो कान दिया, दो किडनी दिया, दो फेफड़े दिया, दो टांग का क्या करोगे? फुटबॉल खेलना है, लूडो ही तो खेलना, उसके लिए दो हाथ है ना। वैसे नंदोई जी देखा जाए तो लूडो खेलने के लिए भी दो हाथों की क्या जरूरत है, एक हाथ से भी काम हो जाता है। काट दो। हाँ जी। हाँ। ए, तुम दोनों क्या मेरे हाथ पाँव कटवाने पे तुले हो? माँ जी मैं कलसी में ये तेल डाल देती हूँ, इस तेल को लगा के कई पागल बैल सीधे हो गए हैं। एक बार और कोशिश करते हैं, एक बार भैया आराम से चलो चलो चलो, एक जोर लगा दे, हां जोर लगा के, हे ईशा जोर लगा के, सेल्फी लेके डम। नंदोई जी मेरी सेल्फी में भूत है, ये थोपड़े में भूत है। अरे हां मैं तो भूल ही गई थी, नंदोई जी मैं ना अपना मुंह धो के आती हूँ, क्या है ना मुझे सेल्फी भी तो लेनी है कलसी के साथ, और मम्मी जी के लिए स्टेटस भी अपडेट करना है। मम्मी जी बेचारी हो गया उनका पैर भारी, मैं अपना मुंह धो के आती हूँ। साले साहब हम पैर काटने के लिए आरी लेके आते हैं। लल्ला जी आंगन से लकड़ी लेकर आओ, उससे कोशिश करते निकालने की। सासू माँ इतना क्या हड़बड़ा रही हो, एक डेढ़ साल में ये लोटे में ही हरिद्वार जाना था, क्यों कूद गई कलसी में? जीजे अगर तुम जीजे ना होते ना तो इसी कलसी में हरिद्वार जाते, जाकर लकड़ी लेकर आओ। उठा ले। नहीं भैया इतनी जल्दी नहीं। अरे उठा ले। अरे पैर को नहीं मुझे उठा ले। लल्ला भैया प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, कलसी में पानी लेकर। हाँ। कलसी का नाम कोई नहीं लेगा। ये लड़की लकड़ी कहाँ मिलेगी? दरवाजा कौन खुला छोड़ दिया? बनवारी के गुंडे कहीं भी घात लगा के बैठे रहते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। लकड़ी मिल गई, अब मैं सासू माँ को सीधा, सासू माँ के पैर सीधा करके रहूंगा। दिन मैं चोरी करान हो गया, अब कौन है क्या कर रहा? अरे चुप बैठ। अरे यार एक काम करो ना, हमको 20 रुपए दे दो, हम रिक्शा से आते हैं, ऐसे तीन आदमी कैसे जाएंगे यार? अबे अगवा कर रहे तुझे, कोनो कस्तूरी का चाट नहीं खिलाने जा रहे, समझा ना? 20 रुपए दे दो, मैं चुप बैठ। नंदोई जी, पाली जी, नंदोई जी मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप हॉकी खेलने जा रहे हैं। अरे कोई नंदोई जी को भी तो हॉकी दो, वो कैसे खेलेंगे? इस वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके